गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण उराड़े स्वागत करता हूँ आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे पीयू ब्लॉग। देखिए आज का सबसे पहले तो आपको मैं सब जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। साल का पहला वीडियो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। कहाँ जाना है विचार था तो आज नज़ीक ही खरबी रिंग रोड पे स्वामी नारायण मंदिर है। अच्छा यानी अच्छा डेकोरेट मंदिर और अच्छा दिखने में इतना खूबसूरत है कि आज वो एक्सप्लोर करने की इच्छा जगी है। तो चलिए आज चलते हैं स्वामीनारायण मंदिर नागपुर। नागपुर में एक तो देश में ये सेंट्रल में है नागपुर, इसके वजह से इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप जब भी नागपुर आओगे तो ये स्वामीनारायण मंदिर में विजिट करना जरूर चाहिए, आपको मज़ा आएगा। ओके चलो फिर मिलते हैं। फिर नागपुर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद अगर आपको स्वामीनारायण मंदिर जाना है तो 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। वैसे नागपुर में एक्सप्लोर करने के लिए रेलवे स्टेशन के पास गणेश टेकड़ी मंदिर भी है, वो बाद में अपन करेंगे एक्सप्लोर। लेकिन अगर स्वामीनारायण मंदिर जाना है तो 7-8 किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से आपको। चलिए फिर सफ़र का मज़ा लीजिए। खूबसूरत रास्ते बनाए हैं नागपुर में, अच्छे लाइट्स, अच्छे रोड। अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही नागपुर का होने के वजह से रोड बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं नागपुर। पहुंच गए हम स्वामीनारायण मंदिर, क्या व्यू है। सो अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। वैसे ही देखा जाए तो स्वामीनारायण मंदिर एक सवा घंटा लगता है अंदर पूरा घूमने को। अच्छा बनाया हुआ है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। आइए कभी भी, आप कभी भी नागपुर आओ स्वामीनारायण मंदिर विजिट ज़रूर कीजिए। तो ठीक है फिर मिलते हैं नए वीडियो में, फिर नए वीडियो नए सफ़र के साथ मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड को, ताकि मैं आपको नई नई चीज़ एक्सप्लोर कर सकूं। ओके गुड नाइट। सीट बेल्ट नहीं।